माँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा। अरे ये कुछ नहीं है माँ, बस एक अजीब सी कहानी है। हम लोग बस कुछ दिन इसमें एक्टिंग करेंगे, बस इतना ही। आप रोइए मत माँ। माँ तुम यहाँ पर सोगी क्या? राज कहाँ पर है? खाना खाने के लिए पीछे खड़ा है ना, उसी से पूछ लो। अच्छा इंसान है, यहाँ पर खड़े हो। भावना तुम यहीं सो जाओ, मैं और राज बगल वाले कमरे में सोते हैं। राज के लिए ये जगह अनजान है। आओ राज। गुड नाइट। गुड नाइट। ओह गुड नाइट। भावना, भावना, हे भावना, डरो मत, मैं हूँ राज, राज मेनन। मैं क्यों पहली बार तुमसे आकर मिलना चाह रहा था, ये सवाल मैं खुद अपने आप से पूछ रहा था। अभी मुझे इसका जवाब मिल गया। ये सुंदर शरीर, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ राज। तुम कैसी औरत हो ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। इस वक्त मेरी नजर में तुम एक सुंदर औरत हो, बस। राज तुम ये क्या बोल रहे हो? हर औरत अपने मर्द के सामने आकर उसको सराहने के लिए ही सोचती है, ऐसा हम मर्द लोग समझते हैं। अब ये सच है या गलत मैं नहीं जानता, लेकिन उस बात पे मैं भरोसा नहीं करता। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। Hey, come on. राज मुझे छोड़ो। राज बिना किसी फायदे के हम मर्द लोग कोई भी काम नहीं करते। मौका मिलने पर उसका फायदा उठाए बिना हम जाते भी नहीं। तुम्हारा वो मनोज एक मर्द होने की वजह से तो यकीन किया। राज प्लीज, राज प्लीज, राज प्लीज, राज प्लीज, ऐसा मत करो। राज राज कम ऑन, राज प्लीज मुझे छोड़ो। क्या हुआ बेटी? कोई तो, अरे कोई तो इसके चोर घुस गया क्या? ऐसा ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, शायद इसके क्या हुआ? क्या हुआ? मैं क्या हुआ? अरे लड़की क्या बोल रही है, इस वक्त कौन आएगा? पिताजी आप माँ को लेके जाइए, मैं इसे संभालता हूँ, आप जाइए। बेटी तुम आओ, मैं संभालती हूँ तुम्हें। इस तरह से देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मनोज मनोज हम यहाँ से चले जाएंगे, प्लीज मनोज हम यहाँ से चले जाएंगे, प्लीज हम कहीं जाएंगे। रो मत, रो मत, मैं हूँ, डरो मत। मुझे यहाँ रहने से बहुत डर लग रहा है मनोज, प्लीज। डर क्यों रही हो? रो मत। हाँ बोलो। अबे डरपोक वकील, मुझे धोखा देकर तुम और तुम्हारी बीवी दोनों बच जाओगे ऐसा सोचते हो? मुझे प्रेम रोगी बनाकर मुझे किस लिए सुधारा था उसने? फेमस गुंडा बनाने के लिए? तो फिर सुन लो, उसको मैं उठा के कब्रिस्तान में लेकर आऊंगा। कब्रिस्तान में? मिस्टर राज मेनन, मेरी एक बात अच्छे से समझो। क्या क्या कहा तूने? मेनन? अरे तू क्या जात का नाम लेकर मजाक कर रहा है मेरे साथ? मेनन नहीं हूँ मैं, खंडारपुरी का लंबोदरी हूँ मैं। बीवी को फोन दो। क्या हुआ? ये वो है राज, एक नंबर का आवारा है। इंसान कितनी जल्दी बदल जाता है। लगता है फोन ऑफ कर दिया। ऑन होने तो फिर से फोन करूंगा मैं। हाँ। अरे तुम उसे भूल जाओ यार। अरे जब हमारे पास इतनी सुंदर लड़कियां खुद हैं, तो फिर किसी गैर औरत के पीछे क्यों भाग रहे हो? पागल हो गए हो क्या? अरे अब तो मैं सुधर गया हूँ ना। बस ऐसी ही तुम्हारी सोच है। अरे उसे भूल जाओ, अरे उसको याद करके कोई मतलब नहीं। अरे अमीर घर की औरत तुम जैसे भिखारी के साथ प्यार क्यों करेगी, बताओ तो जरा। साले साहब, उसको कब्र में दफना दिया है ऐसा सोच करके एक पैग पियो। सही बोल रहे हो। अरे पी लो यार। हाँ। अब जाके हमारे साले साहब रास्ते पे आए हैं।
सर, मैंने आपको सुबह कॉल किया था, घंटी जा रही थी लेकिन किसी कॉल नहीं उठाया। क्या हुआ? क्या कल रात को एक घटना हुई थी सर, किसी ने आकर सर का पूरा फ्लैट तहस नहस कर दिया। सुबह दरवाजा खुला तब मम्मी पता चला सर, दरवाजे के ऊपर नोटिस भी चिपकाया है। मनोज, तुम्हारा इतना बड़ा दुश्मन कौन हो सकता है? अरे जो आदमी वकील होगा उसके दुश्मनों की कमी होगी क्या? सही कहा ना सर। ये जो नोटिस चिपका रखी है मनोज राज मेनन के नाम से, मनोज तुम इस आदमी को जानते हो? नहीं, नहीं जानता हूँ। सर, आपके आ जाने के बाद पुलिस ने कंप्लेन करने का सोचा। इट्स ऑल राइट, मैं इसे हैंडल करता हूँ, आप जाइए प्लीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, चलो चलो। सर आप आ गए क्या? देखो जैसा आपने बोला था वैसा ही हुआ। ओके ठीक है। कीमत वाली चीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया सर। थैंक यू सो मच। क्या बात है साले साहब, बस बड़े घर की औरत लोग, खास करके जिनके पास कोई काम नहीं होता है, हम जैसे लोगों के सपनों में आ जाते हैं, उनको देख भी नहीं सकते। उनकी ऐसी हरकत पे गुस्सा तो आएगा ना। और साले साहब को लेटर भेज भेज के मजाक बना रखा है। हम मर्दों की कोई इज्जत ही नहीं है, हमारा मजाक बना के रख लिया इन लोगों ने। वो हमें बेकार की चीज समझते हैं, पी पी के लुढ़क जाएंगे। हाँ, बेकार हो जाएंगे। तुम लोग सुबह से लेकर शाम तक पी रहे हो सब बेकार करने के लिए। अरे तुम कुछ नहीं जानती हो, तुमने जपरीट सिनेमा देखा है क्या? उसमें प्यार में धोखा खा जाने के बाद मोहन लाला क्या करते हैं? अकेलापन, अकेलापन है देवदास। इस तरह औरतों के बारे में सोच सोच करके हम जैसे मर्दों की क्या हालत हो रही है? हैं? 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 ये बात बताऊं? अरे उसके बाद मोहन लाला का क्या हुआ तुमको पता है ना? नंदू किसी और के साथ चली गई। और इसका क्या हालत हुआ है? अरे मैं तो इसके बारे में सोच रहा हूँ। अरे इसलिए तुम अकेलापन महसूस कर रहे हो? अरे इस जिद को लेकर बाहर निकला था मैं। हाँ। जैसा तुम बोल रहे हो वैसा कुत्ते के जैसा, उसके पीछे भागने वाला पागल कुत्ता गधा हूँ मैं, क्या करूँ? अच्छा आओ थोड़ा पानी पी लो। अरे नहीं यार, कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाला एडवोकेट मनोज कुमार का फ्लैट है ये। बेल पर जो बाहर निकला है उस विलास की हत्या के संबंध में इल्जाम लगाने वाला राजन ही तोड़फोड़ करके तहस नहस कर दिया है। इस तरह से तोड़फोड़ करने के मामले के साथ साथ वकील की बीवी को परेशान करने के मामले पुलिस से दर्ज करा रखी है। यही मामला है ऐसा पुलिस की तरफ से बोला गया है। और एक खास खबर, अच्छा ये मियां बीवी मिलकर मेरी पुंगी बजाने की सोच रहे हैं, तो उसका जवाब देना मैं जानता हूँ। जब राजन सुधर सकता है तो कमीना भी बन सकता है।